हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज हम आपको बहुत ही फेमस आउटलेट पर लेके आए हैं, जो कि बीकानेर वाला की ब्रांच पर, जो कि अपने भटूरे चने, अपने भुजिया के लिए वर्ल्ड फेमस हैं, और साथ में इनका जो ऑथेंटिक रसगुल्ला है वो तो बहुत ही फेमस है। तो चलिए गाइस, करते हैं अंदर चल के मैनेजर से बात और पूछते हैं और क्या क्या वैरायटी बनाई हुई है। उससे पहले मैं आपसे जो है इनकी लोकेशन है वो शेयर करता हूँ। सो गाइस, ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये है अपना लॉरेंस रोड, तो बहुत ही फेमस है अमृतसर में। तो वहाँ पर इनकी जो ब्रांच है बीकानेर वाला, तो बिल्कुल आप सामने देख सकते हैं, ये चुनमुन मॉल के सामने इनकी ब्रांच है। तो चलिए गाइस, करते हैं अंदर चल के बात और देखते हैं क्या क्या इन्होंने वैरायटी भी रखी हुई है। सो गाइस, हमारे साथ हैं अपने महेश जी। तो नमस्ते सर। नमस्ते। तो सर, कितने साल हो गए जहाँ पर ये आउटलेट चलाते हुए आपको? ये 2019 में खोला था हमने आउटलेट। मतलब दो साल के आसपास हो गया। और हमने तो बहुत सुना है आपके जो भटूरे चने हैं ऑथेंटिक तरीके से आप तैयार करवाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या टाइमिंग वगैरह रखी हुई है, अगर ब्रेकफास्ट करना हो किसी ने? सुबह 8 बजे से रात को 11 बजे तक आउटलेट खुला रहता है। अच्छा, ये भटूरे चने सुबह से लेकर रात तक मिलते रहते हैं? और क्या बात है जी। और संडे ओपन होता है? संडे सैटरडे सब 24/7 मतलब सारे ओपन रहते हैं। स्नैक्स में भी आपके पास काफी वैरायटी है? स्नैक्स में भी काफी वैरायटी है हमारे पास। आपको कचौड़ी मिल जाएगी, प्याज की कचौड़ी मिलेगी, दाल की कचौड़ी मिलेगी, समोसे मिलेंगे। और आपके भटूरे चने तो है ही फेमस? हाँ हाँ, वो घी में। हाँ हाँ, घी में आउटलेट बहुत ही फेमस है। और यही नहीं, मतलब इंडिया में नहीं, वर्ल्ड फेमस ही इनके भटूरे चने होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो तो हम आपसे पूछेंगे भटूरे चने कैसे आप तैयार करवाते हैं, जो भी है। राइट। तो आपकी जो हमने भुजिया तो आपका जो फेमस है, राइट, वो भी हमें दिखाएं, और साथ में कुछ स्वीट्स वगैरह भी आपने तैयार की हुई है जी। ये मैं देख रहा हूँ, ये कौन सा सेक्शन है? ये बंगाली काउंटर है। क्या बात है, ये बंगाली काउंटर है। और आप बता रहे थे हमारे पास ही बंगाली स्वीट्स मिलेगी? अमृतसर में आपको कहीं नहीं मिलेगी, केवल हमारे पास ही मिलेगी। तो इसमें क्या क्या स्पेशल है, मतलब थोड़ा सा बताइए हमारे दोस्तों को। सबसे पहले तो सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज है वो है रसगुल्ला। आपका रसगुल्ला है, मतलब अट्रैक्ट करता लोगों को। ठीक है जी, ये आपने एक पीस है। सो गाइस, आप देख भी सकते हैं, ये इन्होंने निकाल के दिखाया। तो ये कितने का पीस दे रहे हैं? 12 रुपए का एक पीस है, टैक्स लगा के 13 का बन जाए। 13 रुपए का। हाँ, क्या बात है। सो गाइस, ये भी आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। और काफी मैं वैरायटी देख रहा हूँ आपके स्वीट्स की। सर, ये काजू का सेक्शन है। अच्छा, हमारी काजू की पूरी मिठाइयाँ हैं। अच्छा जी, देखिए पूरी अलग अलग वैरायटी है। काजू दिल है, काजू छाबरी है, काजू लीची है, काजू समोसा है, काजू पान है, काजू रोल है, काजू केक है, बादाम बर्फी है। काफी यूनिक स्वीट्स है, मतलब। हाँ जी, हाँ जी। ये पहली बार ही हमारे अमृतसर में ये इंट्रोड्यूस होने वाली है। अमृतसर में आपको हमारे पास ही मिलेंगी इतनी। और कहीं से नहीं मिलेंगी। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, देखने में बड़ी काफी टेम्पटिंग लग रही है ये। तो काफी नमकीन वगैरह भी है, वो भी दिखाए हमें अपने वर्ल्ड फेमस जो नमकीन बीकानेरी भुजिया है। काफी वैरायटी है। हाँ जी, हाँ जी, आलू भुजिया है, टेस्टी है। क्या बात है, ये बहुत ही बढ़िया। और ये सब नमकीन की पूरी वैरायटी है हमारे पास। अच्छा जी, अच्छा, ये भी यहाँ पर मिल सकती है? हाँ हाँ, सारा ठीक है। और आपने ये, मैं देख रहा हूँ, ये गिफ्ट आइटम से भी कुछ पैक करके रखे हुए हैं। ये भाजी बॉक्स है। अच्छा, ये वाला? हाँ, ये भाजी बॉक्स है। हम भाजी बॉक्स बनाते हैं। ओके, ये स्वीट ओके। की ये स्वीट बॉक्स बनाते हैं 4 लाइन का, मतलब फेस्टिवल या मैरिज के लिए सारा अरेंज कर देते हो, मतलब। और ये आपने बॉक्स वगैरह तैयार किए हैं स्वीट्स के, बहुत ही बढ़िया, काफी सुंदर लग रहे हैं देखने में भी। तो दोस्तों, काफी वैरायटी है इनके पास अपने स्वीट्स में। तो ये सर कौन सा काउंटर है? ये खोया और लड्डू, लड्डू हो गए, घी का, एक घी का काउंटर है, यानी मेन खोए से तैयार होता है सारा ये। हाँ, मतलब जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या बात है, पहले आपने दिखाया वो है बंगाली, फिर दूसरा दिखाया आपने काजू वाला। हाँ, और ये है खोए वाला। खोए में जितनी भी वैरायटी होती है वो तैयार होती है, प्योर घी की मिठाई है। क्या बात है, खोया और घी से सारा ये तैयार हुआ है। हाँ जी, ये है अपने बीकानों के प्रोडक्ट्स। हाँ, हाँ, तो मैं देख रहा हूँ काफी वैरायटी है। तो टोटल कितनी वैरायटी है आपके पास? वैरायटी का तो हमारे बीकानों में कोई नंबर, मतलब कोई नंबर नहीं है, कोई रीडिंग नहीं है। आपको बिस्किट भी मिलेंगे, बिस्किट्स की देखिए तरह तरह की वैरायटी लगी हुई है। क्या बात है, मैं देख सकता हूँ। फॉक्स नट देखिए, एक की अलग अलग वैरायटी लगी हुई है, बहुत ही बढ़िया। वो भी आपने स्पेशल बॉक्स वगैरह में सब पैकिंग करवाई हुई है सारी। ये देखिए मठिया है, मठियों की वैरायटी देखिए। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। ये पॉप्स है, पानी पूरी आपको मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया है। और चिप्स वगैरह भी रखे हैं, वेफर्स वगैरह भी, सब कुछ रखते हैं हम। तो बहुत ही बढ़िया दोस्तों, काफी कुछ यहाँ पर आपको वैरायटी मिलने। जो बॉक्स हैं ये है विंटर स्पेशल वाले। ये विंटर स्पेशल है ये। क्या बात है जी, गच्चक का है ये, गच्चक हो गई हमारी, शुगर शुगर रेवड़ी है। क्या बात है, खस्ता गुड़ है, खस्ता गुड़ गच्चक है।
क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, काफी वैरायटी है आपके पास। गुड़ रेवड़ी है, गुड़ रेवड़ी है, क्या सोन पापड़ी हमारी फेमस है, ये तो चलती रहती है, मतलब 12 महीने चलती है ये। तो ठीक है अपने मेज जी, ठीक है चलिए अपने स्नैक्स वगैरह दिखाते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं अमन सिंह जी, तो नमस्ते सर। नमस्ते सर, माय सेल्फ अमन सिंह, ऑपरेटिंग शिफ्ट मैनेजर ऑफ दिस आउटलेट अमृतसर बीकानेर वाला, एंड दिस इज माय चाट सेक्शन एरिया, जहाँ पे सारा चाट सेक्शन है, चाट सेक्शन एरिया है। यहाँ पे भटूरे चने, भटूरे चने, पाव भाजी, मटर कुलचा, आपके दही बल्ला, बल्ला पापड़ी, गोलगप्पे सब मिलेगा यहाँ, सब कुछ अवेलेबल। अमन जी क्या दिखाने वाले हैं हमारे, मैं आपको सबसे पहले चाट सेक्शन के बारे में बताऊंगा कि चाट सेक्शन में हमारे पास क्या क्या आइटम अवेलेबल होते हैं और क्या क्या हम कस्टमर को देते हैं किस तरीके से। अमन जी ये है अपना ढोकला, आपने तैयार किया हुआ है, तो कुछ बताइए हमारे दोस्तों को, सबसे पहले ये कौन सा ढोकला है? ये सबसे पहला काउंट सेक्शन है, हमारा प्लेन ढोकला आएगा, ये प्लेन ढोकला है, ओके, जिसके साथ हम सर्व करते हैं, जिसके साथ हमारी चटनी होती है सॉल्ट वाली। अच्छा क्या बात है, मोस्ट स्पेशल चटनी होती है, साथ में बिना चटनी के भी अच्छा नहीं लगेगा। और ये भी सुबह से मिलना शुरू हो जाता है, करेक्ट आपको 8:30 से मिलना चाहिए। क्या बात है, ये भी भटूरे वाला टाइम से मिल जाता है, भटूरे वाला टाइम से मिलता है और लास्ट आपको 9:30 तक मिलेगा नाइट। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया और देखने में काफी टेस्टी लग रहा है। और उसके साथ ही हमारी मसाला मिर्ची होती है जो भटूरे के साथ जाती है। अच्छा वो भी साथ में सर्व करते हैं ढोकले के साथ, मसाला मिर्ची होती है और दूसरे होती है हमारी ढोकले वाली मिर्ची, जो कि ढोकले में फ्राई होती है और ढोकले के ढोकले का टेक्सचर आता है उसमें सारा, मतलब पूरा जो गुजराती फ्लेवर है वो मिलने वाला है यहाँ पर। और आगे मैं देख रहा हूँ ये कौन सा है, ये सर आपका सैंडविच ढोकला है। अच्छा जी सैंडविच वाला, सैंडविच ढोकला में जो भी फिलिंग है एकदम प्रॉपर सैंडविच की तरह बनाया जाता है, जैसे ब्रेड सैंडविच बनता है वैसे ढोकला सैंडविच बनता है, ये वैसे ही आप प्रिपेयर करते हो, प्रिपेयर होता है, ठीक है। और दूसरा सर ये पनीर ढोकला है, पनीर ढोकला, चीज ढोकला हो गया, पनीर ढोकला कह लीजिए या कॉटेज चीज ढोकला कह लीजिए। अच्छा जी क्या बात, पनीर को कॉटेज चीज बोलते हैं फ्रेंच लैंग्वेज में, कॉटेज चीज है जिसकी रिक्वायरमेंट बनती वैसी है पनीर सैंडविच ढोकले की तरह, और फिलामेंट होती है इसकी पनीर की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आगे मैं देख रहा हूँ ये है अपनी बड़ी बड़ी पूरी, जिसको हम बोलते हैं राज कचौड़ी, राज कचौड़ी, राज कचौड़ी बेस। क्या बात है जी, ये भी यहाँ पर मिलने वाली ये है, ये भी मिलता है राज कचौड़ी बेस। और अमन जी इसको कैसे तैयार करते हो आप? इसको तैयार करने का एक मेथड होता है, एक राज कचौड़ी बनाने के लिए मात्र 1 मिनट लगता है। अच्छा जी, बस मीजा हमारे पास पूरा कंप्लीट है, तो इसको बनाने में ओनली 1 मिनट। और इसमें फिलिंग वगैरह किस चीज़ फिलिंग वगैरह होती है? इसके अंदर मसाला आलू हो गए, 2 क्रश पापड़ी डाली जाएगी, आधा भल्ला डाला जाएगा और चना मोट डाला जाएगा और दही चटनी और गार्निश। क्या बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और साथ में मैं देख रहा हूँ ये छल्ले वाले प्याज कचौड़ी, प्याज कचौड़ी, ये तो बहुत ही फेमस है ना? यस सर, बहुत फेमस है। और जो छल्ले होते हैं वो छल्ले ये होते हैं जो ये बबल्स आ रहे हैं इनको, अच्छा, इसको आप छल्ले बोलते हो? छल्ले बोलते हैं इसको, मतलब काफी ऑथेंटिक तरीके से सारा जो है तैयार कर रहे हैं। यस सर, ये वन डे यूज होता है प्याज कचौड़ी, प्याज कचौड़ी उसके बाद आप इसके खराब हो जाएगा, हम नेक्स्ट डे इसको कभी यूज नहीं करेंगे। साथ में क्या क्या मिलने वाला है इसके साथ खाने के लिए? इसके साथ मिलेगी सॉल्ट वाली चटनी और मिंट वाली चटनी, मिंट वाली चटनी। क्या बात, सिंपल, बहुत बढ़िया। क्या मैं देख रहा हूँ क्या ये क्या डाला हुआ है, क्या क्या है इसमें? क्या क्या ये हैगा आपका मिंट चटनी, मिंट चटनी है, ये सॉल्ट वाली चटनी, सॉल्ट वाली चटनी, जो क्या बात जो ढोकले के साथ और प्याज वाली कचौड़ी के साथ हम सर्व करते हैं। ओके, दूसरा आपका पनीर जो कि छोले भटूरे में जाते हैं, जो प्लेटिंग करोगे तो फिर हम दिखाएंगे अपने दोस्तों को। ये सर मक्खन के क्यूब्स है, मक्खन के क्यूब्स है, गार्निशिंग के लिए धनिया, मतलब ये मतलब गार्निश सेक्शन है सारा, मतलब पूरा गार्निश जो भी रखा हुआ है। और मैं देख ये वो हैंगे थिन स्लाइस ऑफ मैचस्टिक, क्या बात है, जिंजर, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे सर आपको मिलेंगे चुकंदर एंड अनार, चुकंदर और अनार है। और ये मैं आलू देख रहा हूं, मसाला आलू और मसाला मिर्ची, क्या बात, जो दिल्ली में मिल रहा है, जो ढोकले में भी देते हैं और हम उसमें भी देते हैं भटूरे में भी, दोनों में हम देते हो। यस सर, और साथ में ये पोटैटो आपने, मसाला पोटैटो, क्या बात है जी। यस सर, तो ठीक है अमन जी हमारे लिए भटूरे चने भी तैयार कीजिए। यस सर, फिर हम प्लेटिंग दिखाते हैं अपने दोस्त। अमन जी ये है आप हमारे भटूरे के पेड़े, भटूरे के पेड़े मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल जो है बिल्कुल इक्वल साइज में है, इसके बारे में बताइए दोस्तों। सर ये इक्वल साइज में रहेंगे हमेशा, इसका जो भी क्वांटिटी होगी वो 50 से 70 ग्राम के बीच में होती है, तभी लग रहा है, तभी लग रहा है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया होगी, कभी भी आप वेट करेंगे तो सेम क्वांटिटी निकलेगी, कभी एक्सटेंड। ये भी आपका मतलब बनाने का ट्रिक है, मतलब ये जो दिल्ली वाले भटूरे हैं जो है सर, आपका क्या बात है। और इसमें फिलिंग वगैरह क्या रखा हुआ है? फिलिंग इसके हमने रख रखी है क्रस्ट, वो पनीर है, पनीर है, लाल मिर्ची है, लाल मिर्ची थोड़ी हल्की सी, धनिया हल्की सी, धनिया है मतलब फ्लेवर के लिए। यस सर, बहुत ही बढ़िया। और सर लगाएंगे टेबल। अच्छा, इस सबसे पहले हमारा ऑयल लग गया जिसके कारण हमारा चिपकेगा नहीं नीचे। क्या बात है जी, स्टिक नहीं होएगा नीचे। सो गाइस काफी मैं देख रहा हूँ, काफी जो सारा काम है अमन जी हाइजन तरीके से हो रहा है यहाँ पर, और ये आपका जो सारा जो स्नैक्स जो काउंटर है जो सेक्शन है बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सफाई है आपकी। यस सर, तो अब ये फ्राई होने के लिए करने वाले हैं। यस सर, फ्राई करने से पहले हम इसको 3 बार हाथ से इसको हिलाते हैं। अच्छा, 3 बार हाथ से इसको थोड़ा सा हिला लेते हैं, मतलब थोड़ा बहुत लंबा हो जाता है,
शिकार छोटा होता है तो लंबा, सो गाइस देख सकते हैं आप, फिर उसको हम स्ट्रेच करके थोड़ा सा, क्या बात है, स्ट्रेच करके फिर आराम से कढ़ाई में, बहुत ही बढ़िया आप कढ़ाई में फ्राई हो रहा है। फिर उसके बाद कढ़ाई में छोड़ने के बाद हम इसको डुबाया जाता है इसको, ठीक है। अमन जी हमारे दोस्तों को अपने चने वगैरह भी दिखाने हैं आपने, और प्लेटिंग तो हम दिखाएंगे। तो ये मतलब ऑलमोस्ट जल्दी बन जाता है, मतलब बस खाली हमारी कढ़ाई घी है हमारा गर्म होना। सो गाइस देखिए कितनी फुलावट आई है, कितनी इसको मतलब फ्लफी बन गया है ये, मतलब क्या बात है, और शेड भी बहुत बढ़िया होगी इसकी। तो अमन जी ये हैं अपने चने, यस सर चने, और मैं देख रहा हूँ बहुत ही बढ़िया इसका, तो एक तो कलर लग रहा है मुझे, यस सर, और बड़ी खुशबू आई है। कौन से मसाले यूज करते हैं आप? सर मसाले तो हम वैसे बता नहीं सकते किसी को, क्योंकि मसाले सीक्रेट होता मतलब, है सबका, क्या बात है। पर हम इसमें बता सकते हैं जो इसमें तड़का लगता है, तड़का लगता है, तड़का लगता है जी। कढ़ाई में हम देसी घी गरम करते हैं, देसी घी गरम करने के बाद इसमें जाता है हींग, जाता है हींग, जाने में कसूरी मेथी जाती है, कसूरी मेथी जाती है, लाल मिर्ची जाती है, क्या बात है, लाल मिर्ची, जिसके कारण हमारा फ्लेवर और एनहांस, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए गाइस, ये देखिए कितने थिक है, और काफी जो है मतलब ऑथेंटिक तरीके से आप इसको तड़का मारते हो मतलब। तो ये साथ में हमें मिलने वाले हैं, यस सर। तो अमन जी सबसे पहले क्या हमारे डालने वाले हैं? सबसे पहले डालेंगे मिंट वाले प्याज, मिंट वाले प्याज डाल के हमारे, जो कि मिंट की चटनी में मिला के रखे जाते हैं, जो कि हमेशा जाते हैं, क्या बात, बहुत ही बढ़िया। और मैं देख रहा हूँ आपकी प्लेट भी बिल्कुल यूनिक लग रही है मुझे, ये ओवल शेप प्लेट होते हैं जो कि अंडे की शेप कही जाती है, ठीक है। इसके बाद सर क्या डालेगा? इसके बाद हम आएंगे, फिर हम यहाँ पर रखेंगे प्लेट को, ठीक है। ये हमने ट्रे में रख लिया, छोले वाले बाउल, पर प्लेट में छोले जाते हैं 180 से 200 ग्राम छोले जाएंगे। अच्छा जी क्या बात, बहुत ही बढ़िया। फिर हम छोले डालते हैं इसमें आराम से, चने हमारे डल गए, चने की भी क्वांटिटी काफी है, कोई कम नहीं है, मतलब 180 से 200 ग्राम बहुत मिनिमम होता है, हाँ ज्यादा मैक्सिमम में होती है। मतलब डालने वाले हैं हमारे मसाला पोटैटोस, क्या बात है, एक जाता है, ठीक है। अच्छा ये एक ही जाता है, एक ही पीस जाता, ठीक है। फिर उसके बाद डालते हैं हम एक हरी मिर्ची, मसाले मिर्ची कहते हैं, मसाला मिर्ची होती है, मतलब 3 से 4 पीस जाते हैं पनीर के टुकड़े, पनीर के टुकड़े, बहुत ही बढ़िया। सो गाइस देखिए प्लेटिंग ही बहुत बढ़िया लग रही है, और इसके बाद लास्ट में हम डालते हैं हल्का सा धनिया, अच्छा ये गार्निश के लिए, गार्निश, क्या बात है जी, बहुत ही बढ़िया। फिर लास्ट में हमारा डाल जाता है 2-3 लच्छे अदरक के, अदरक के लच्छे आ गए हमारे। सो गाइस देखिए कितनी टेम्पटिंग लग रही है, भटूरे भटूरे, क्या बात। तो भटूरे की मैं शेप देख रहा हूँ, काफी यूनिक है ये भी सर, ये भी आपसे मिलने वाली है ना, यस सर, प्लेट की शेप, मैं फर्स्ट टाइम ये शेप देख रहा हूँ, अमृतसर में कहीं भी मैंने ये शेप नहीं देखी। आप कहीं पे भी जाएंगे आपको राउंड शेप मिलेंगे भटूरे, अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, एकदम बिल्कुल ये मतलब दिल्ली स्टाइल वाले भटूरे चने हैं, मिलेंगे ओवल शेप, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। और दो भटूरे मिलने वाले हैं, साथ में आपने चने दिए हैं, हाँ। तो अमन जी लास्ट स्टेप कौन सा है हमारा? लास्ट स्टेप हमारा आएगा एक मिक्स पिकल रखा जाता है, अच्छा साथ में पिकल भी हमें मिला है, पिकल भी दिया जाता है, क्योंकि भटूरे में पिकल ना जाए तो मजा नहीं आता, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया है, मेन पिकल का भी काम होता है इसमें। संडे को तो मतलब भटूरे चने मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया हो जाता है, दिन सारा दिन बढ़िया हो जाता है। तो सो गाइस देखिए कितनी टेम्पटिंग लग रही है, बाकी हम टेस्ट करके बताते हैं आपको कैसा है आपके भटूरे का चने का टेस्ट। जरूर सर। तो थैंक यू अमन जी हमारे साथ बात करने के लिए, यस सर, यू आर वेलकम सर। सो गाइस होगी हमारी प्लेट तैयार, तो बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, और जैसे अपने अमन सर ने बताया था अभी, जैसे हम चने वगैरह है वो देसी घी से तड़का लगाते हैं, और सबसे इनकी जो इम्पोर्टेंट जो है वो है इनकी प्लेटिंग, तो आप प्लेटिंग दे सकते हो, बहुत ही बढ़िया लग रही है प्लेटिंग। तो साथ में एक तो इन्होंने चने दिए हैं अपने, और ये हैं इनके लॉन्ग साइज वाले भटूरे, जो कि बिल्कुल इनके पास ही मिलते हैं और कहीं से नहीं आपको मिलेंगे, और साथ में एक तो पिकल दिया है, साथ में दिए इन्होंने जो पुदीने वाले जो है प्याज दिए हैं लच्छे वाले, बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, देखने में भी बड़े अच्छे लग रहे हैं, और प्लेटिंग पूरी है इन्होंने काफ़ी डेकोरेट की हुई है। सो गाइस मेरे ख्याल में तो ये एक प्लेट है दो बंदों के लिए काफ़ी सफिशिएंट होने वाली है, चने की जो क्वांटिटी है बहुत बढ़िया है, और साथ में इन्होंने जो मसाला मिर्च दी है, और एक अपना मसाला पोटैटो उसका एक पीस दिया, और कुछ अपने लच्छे वाले अदरक दिया है, और साथ में क्यूब्स दिए हैं छोटे छोटे पनीर वाले, तो बहुत ही बढ़िया खुशबू काफ़ी आ रही है, और बिल्कुल ऑयल फ्री ये भटूरे चने हैं। तो चलिए गाइस ट्राई करते हैं, सबसे पहले तो चने का ही ट्राई करते हैं, वो बताता हूँ आपको। जो बिल्कुल इसको टेस्ट को हैंस कर रहा है वो है अनारदाना, इसमें अनारदाना काफ़ी इन्होंने यूज़ किया हुआ है मेरे ख्याल में, और मसाले जैसे बता रहे थे भी हमारे सीक्रेट है, तो वो उनका भी फ्लेवर जो अच्छा आ रहा है बहुत ही बढ़िया, और साथ में जो इन्होंने गार्निश वगैरह किया है बहुत बढ़िया। तो चलिए गाइस अब बाइट लेते हैं भटूरे की,
भटूरे की फीलिंग दिखाता हूँ आपको। ये देखिए बिल्कुल इन्होंने जो थोड़ी सी लाल मिर्च है और पनीर वगैरह और हरा धनिया, तो बाइट लेते हैं थोड़े से, ये लगाते हैं हम लच्छे वाले प्याज लगाते हैं, और ये चने, चने चने का टेस्ट काफ़ी बढ़िया है। वाकई में दोस्तों बहुत ही अमेजिंग टेस्ट है, वाकई में अमृतसर में फर्स्ट टाइम आपको ये टेस्ट मिलने वाला है यहाँ पर। तो काफ़ी फेमस है, सारे वर्ल्ड में ही फेमस है बीकानेर वाला, तो कभी भी आप अमृतसर आएँ तो आप यहाँ पर आके ट्राई कर सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया है, साथ में इन्होंने मिर्च वगैरह दी है। तो चलिए गाइस एक बाइट और लेते हैं, बहुत ही बढ़िया जो फीलिंग है, बिल्कुल नॉर्मल फीलिंग है, इसमें पनीर वगैरह काफ़ी टेक्स्चर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, और हैवी भटूरे हैं, कोई लाइट भटूरे नहीं है, बहुत ही बढ़िया। टू गुड। बाकी दोस्तों जो प्राइस है इसका, ये 168 की प्लेट है। बाकी इनकी ऑफर्स वगैरह चलती रहती है, जैसे मंडे से फ्राइडे ऑफर्स होती है और सैटरडे संडे अलग होती है। जब आप विज़िट करोगे तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको ऑफर्स भी मिलने वाली हैं। बाकी एम्बिस बहुत बढ़िया है, और जो इनका जो स्टाफ है काफ़ी फ्रेंडली है। तो सो गाइस ऐसे ही अपना प्यार आप मुझे देते रहिए, और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।